हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से। हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना वायरस को अदृश्य दुश्मन बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 100 साल बाद इतनी भीषण महामारी दुनिया की परीक्षा ले रही है। इस अदृश्य दुश्मन के कारण अपने करीबियों को हम खो चुके हैं। जिस कष्ट को देश ने सहा है, अनेक लोग जिस दर्द से गुजरे हैं, वो मैं भी महसूस कर रहा हूँ। महामारी की दूसरी लहर का मुकाबला युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की दवा 2-deoxy-D-glucose यानी 2D की 10,000 डोज पहला बैच अगले हफ्ते के शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। ये जानकारी DRDO के अधिकारी ने दी है। अधिकारियों ने कहा है कि भविष्य में दवा के इस्तेमाल के लिए उत्पादन में तेजी लाने का काम किया जा रहा है। ये दवा DRDO के वैज्ञानिकों की एक टीम ने बनाई है। कोरोना महामारी के चलते मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। मूल्यांकन के आधार पर छात्रों की मार्कशीट जारी की जाएगी। जो छात्र मार्कशीट में उच्च अंक चाहते हैं, वो महामारी खत्म होने के बाद यानी आने वाले समय में परीक्षा के लिए बैठ सकते हैं। ये जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने दी है। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी बताया कि 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। हालात सुधरने पर 12वीं की परीक्षाएं की जाएगी। सिक्किम सरकार ने आगामी 17 मई से पूर्ण रूप से राज्यव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है। सरकार की ओर से घोषित लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए है, जो 24 मई तक रहेगा। राजगृह विभाग की ओर से जारी आदेश में युक्त जानकारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है, जिसमें CBSE की 12वीं की परीक्षा निरस्त किए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि 12वीं के रिजल्ट घोषित करने की तय समय सीमा में एक वस्तुनिष्ठ प्रणाली तैयार की जाए। ममता शर्मा की ओर से दाखिल की गई इस जनहित याचिका में केंद्र सरकार, CBSE और CIC/ASI की पक्षकार बताते हुए निर्देश मांगा गया है। रेलवे ने शुक्रवार को बताया है कि उनसे 19 अप्रैल से अभी तक 12 राज्यों में करीब 500 टैंकरों के जरिए 7,900 टन मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है। रेलवे के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें देश भर में प्रतिदिन करीब 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचा रही हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सेना के सेवानिवृत्त डॉक्टरों ने शुक्रवार को मुफ्त ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन सेवा पूरे देश के नागरिकों के लिए शुरू कर दी है। इस सेवा की शुरुआत 7 मई को उत्तर प्रदेश के लिए की गई थी और कुछ दिनों बाद राजस्थान और उत्तराखंड में इसका विस्तार कर दिया गया था। मध्य प्रदेश में गत 4.5 महीने में 22 बाघों की मौत ने वन्य प्राणी प्रबंधन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इस अवधि में हर छठे दिन औसतन एक बाघ की मौत हुई है। इनमें से 6 तो पिछले 8 दिनों में मरे हैं। इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में बाघों की मौत का आंकड़ा पहली बार सामने आया है। अरब सागर में बन रहा चक्रवाती तूफान टाकटे अभी निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सिस्टम शनिवार को चक्रवाती तूफान के रूप में परिवर्तन होगा। लगभग 24 घंटे समुद्र में रहकर काफी ऊर्जा जुटाने के बाद इस तूफान के उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से शनिवार से मध्य प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का सिलसिला शुरू होने की संभावना है। भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। 2 महीने पहले रिपब्लिकन सांसदों की कड़ी आपत्ति के कारण उन्होंने व्हाइट हाउस के मैनेजमेंट और बजट ऑफिस में निदेशक के पद से अपना नाम वापस ले लिया था। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।